हे गाइस, तो कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ तुम सबकी तबीयत एकदम अच्छी होगी। और यार, अगर तुम्हारी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है तो यार अच्छे बने रहो, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। मगर फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आए एक ऐसी वीडियो, तो यार वेलकम तुम सबका काफ़ी टाइम बाद। और यार आज मैं जो आकाश रिकॉर्ड्स जो एक एनिमे शुरू किया था उसको दोबारा से मैं कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि तीन जो टेररिस्ट हैं वो मैजिक स्कूल में घुस चुके हैं, और उनमें से ग्लेन पहले वाले को तो पछाड़ देता है। और यार उसको मतलब पछाड़ने के बाद अब उसको लास्ट दो बंदों की तलाश होती है, पर भाई वो लड़ाई करते करते उसकी पैंट उतर जाती है और उसको इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं होता था। अगले ही सीन में हम व्यूअर नोटिस करते हैं कि ग्लेन को जो बंदा था टेररिस्ट था उसके हाथ पे एक साइन दिखता है। और यार उस साइन को देखने के बाद उसको जब पता चलता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक काफ़ी मतलब टॉप लेवल की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और यार इसके बिना वो लोग मतलब घुस नहीं सकते। मतलब ये लोग जरूर अंदर से उनको किसी ने सपोर्ट मिली तभी ये लोग अंदर आए हैं। ये बात वो सेलिका को बताता है, मगर सेलिका उसे इस बात को थोड़ा ध्यान में न रखते हुए बंदों को बचाने के बारे में बोलती है, जो बच्चे जो थर्ड फ्लोर पे जो हॉस्टेज बना रखे हैं यानी बंदी बना रखे हैं उनके बारे में। और सेलिका को वो बोलता है कि काश वो टेलीपोर्ट करके डायरेक्ट जा सकती, मगर सेलिका इस पर मना कर देती है और उसे कहती है कि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है टेलीपोर्टेशन डिवाइस या और जो भी उसका स्पेल है यूज़ करने की। तो इस पर वो भड़कता है और यार बच्चों की सेफ्टी की मांग करता है। तो इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं व्यूवर्स कि जो सिस्टीन है उससे वो मना करता है अपने पीछे आने के लिए, और यार ग्लेन और सिस्टीन की बात चल ही रही होती है, मगर इधर पोर्टल खुल जाता है और यार उसमें से कुछ हड्डी वाले ढांचे निकलना शुरू कर देते हैं। और इस पर यार जो बंदा हॉस्टेज बन के बैठा है, जो अभी अभी ग्लेन ने पकड़ के दबा के बांध रखा है, वो यार खुश हो जाता है। उसको बताता है कि ये हमारी मतलब साथ के बंदे हैं और हमारे जो मतलब एक बंदा है उसी ने स्पेल यूज़ करके इसको बुलाया है, मगर ये उसको उल्टा ही मार देते हैं। तो यार यहाँ देखने वाली बात है कि बुरे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। इधर ये हड्डी वाले ढांचों के ऊपर यार ग्लेन अपने हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच बात तो ये है कि पहले ही मरे हुए तो इनको मारा नहीं जा सकता। तो इधर ग्लेन भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एपिसोड 2 में तुमने देखा होगा कि वो उसने कार्ड यूज़ करा था, इस वजह से उसका मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यार ग्लेन वहाँ से सिस्टीन को लेकर निकल जाता है थोड़ा दूर ताकि वो अपना मैजिक यूज़ कर सके, क्योंकि उस सर्कल के आसपास वो अपना मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। मगर वो सिस्टीन से बोलता है कि खास तरीके मैजिक यूज़ करने के लिए, और जब वो दूर हो जाते हैं तो वो दोनों अपना मैजिक यूज़ कर पाते हैं। तो इधर वो थोड़ा टाइम निकालता है सिस्टीन को कॉन्सनट्रेट करने के लिए एक नई तरीके के मैजिक के लिए, और यहाँ पर वो सिस्टीन के साथ साथ खुद भी कुछ एक मैजिक यूज़ करता है, और वो दोनों एक कंबाइंड मैजिक यूज़ करते हैं जिससे कि एक इतना ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और जो हड्डी वाले जितने भी ढांचे हैं वो सारे के सारे वैसे राख होकर गायब हो जाते हैं। अब यार यहाँ पर देखने वाली बात ये कि एक कम बजट वाले एनिमे के शो में भी कितनी अच्छी मतलब लोगों ने प्रेजेंटेशन दिखाई है। मैजिक सर्कल्स तुम देख सकते हो बहुत ही प्यारे हैं, और यार ये तो फाइट तुम्हें खुद ही देखनी चाहिए थी, काफ़ी ज़ोरदार फाइट थी। तो वहीं हम व्यूअर्स अगले सीन में देखते हैं कि जितने भी ढांचे वो सब गायब हो चुके हैं, क्योंकि भाई ब्लास्ट इतना जोर का तो सब के सब गायब हो गए। मगर यहाँ पर ग्लेन की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कंबाइंड जो मैजिक था वो उसके ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ा है, और यहाँ पर दूसरा बंदा जो है टेररिस्ट है वो वहाँ पर आ जाता है। इसके पास आले कुछ मैजिक शॉर्ट्स होती हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मगर यहाँ पर वो उससे लड़ने की जगह पहले तो सिस्टीन को वहाँ से दूर फेंक देता है, क्योंकि लड़ाई होने वाली थी और थोड़ी डेंजर, उसे पता था या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो सिस्टीन को उठा के दूर फेंक देता है और खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है उस बंदे से। अब देखने वाली बात ये थी कि जो जितनी भी मैजिक शॉर्ट्स थी वो इंचेंटेड थी, और यार ये अपने आप काम कर रही थी, उसे चलाने की जरूरत भी पड़ रही थी, और यार वो अपने आप ही ग्लेन पे हमला कर रही थी। और यार यहाँ पर ग्लेन घायल हो जाता है, पहले से ही ग्लेन की हालत ख़राब है क्योंकि वो उसने कंबाइंड मैजिक यूज़ किया है, तो इस वजह से वो मैजिक यूज़ नहीं कर पाता है। और इधर साला ये तलवार वाला बंदा और ग्लेन पे भारी पड़ रहा होता है, और इधर ग्लेन मैजिक का कोशिश भी करता है यूज़ करने की, मगर उस तलवार वाले के पास एडवांटेज होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके पास फिजिकल मैजिक है और यार उसका मेंटल मैजिक जो है वो काम नहीं कर रहा होता ज़्यादातर, तो इस वजह से वो जितने भी तलवार है सारी की सारी डाल देता है भाई ग्लेन के शरीर के अंदर। और तुम देख सकते हो ग्लेन की हालत ख़राब है, एल लग चुके हैं ग्लेन के पूरी तरीके से। मगर ग्लेन के कुटने से पहले यार यहाँ पर सिस्टीन आ जाती है और एक मैजिक का यूज करके ग्लेन कि जितनी भी तलवार है उनको अनइंचेंटेड कर देती है, और तुरंत ग्लेन उस एक तलवार को निकाल के उसके शरीर में डाल देता है, और यार वो उसका खेल यहीं ख़त्म कर देता है। एंचेंटमेंट हटने की वजह से जो तलवारें थी वो फ्री हो चुकी थी और उसको कोई भी यूज़ कर सकता था, तो इस वजह से ग्लेन यहाँ पे बच तो जाता है मगर उसकी हालत होती है ख़राब। इसलिए सिस्टीन उस पर हील मैजिक करती है और खुद सो जाती है बेचारी हील मैजिक करने के बाद, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है उसमें, और ग्लेन के जितने भी जो घाव थे उन सबको सील कर देती है थोड़ी देर के लिए जिससे कि उसका खून ना बहे। ग्लेन भी सो के जब जगता है तो उसकी भी हम थोड़ा सा मतलब पास्ट के बारे में नेका थोड़ा झलक देखते हैं, मगर आगे ग्लेन निकल पड़ता है तीसरे बंदे की तरफ, जहाँ पे जितने सारे के सारे बच्चों को उसने हॉस्टेज बना रखा था, बंदी बना रखा था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो देखता है कि जो टीचर है भाई ये तो वही टीचर है जिसको रिप्लेसमेंट पे ग्लेन आया है, तो वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो टीचर बताता है कि उसने इस स्कूल में जो एक लड़की है सबसे पावरफुल
रूमिया उसके मतलब पावर को यूज़ करके एक ऐसा बम बनाया है 5 लेयर का, जैसे कि पूरा स्कूल उड़ जाएगा एक ही बार में। तो यार इस पर यार ग्लेन बहुत भड़क जाता है और यार वो एक एक करके सारे मैजिक सर्कल्स को तोड़ना शुरू कर देता है एक एक लेयर को अपने खून से। और यार इसके हर एक लेयर को तोड़ने के साथ साथ ग्लेन बहुत कमज़ोर होता चलता है और उसके जितने वाउंड्स हैं जो जस्टी ने सील करे थे वो निकल पड़ मतलब टूट जाते हैं और खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और यार आखिरी सर्कल को तोड़ने तक भाई वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जैसे ही सर्कल टूट जाता है, पांचों सर्कल टूटने के बाद सिर्फ एक शील्ड रह जाती है जिसके अंदर जो रूमिया होती है वो कैद होती है, मगर रूमिया वहाँ से हाथ बाहर निकालती है और सबको पता है कि भाई रूमिया के पास जो हीलिंग स्पेल के वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रूमिया उस सर्कल के अंदर से ही हील करने की कोशिश करती है और यार उसको हील करने में कामयाब होती है। और जैसे ही रूमिया हील कर देती है उसको, तो पांचवा जो आखिरी सर्कल होता है जो उस मतलब तोड़ चुका होता है मगर उसका थोड़ा बहुत एसेंस रह चुका होता है पांचवें सर्कल का, तो लास्ट में उस पांचवें सर्कल को भी तोड़ देता है उस शील्ड के साथ साथ। तो इसके साथ वो पूरा जो बॉम बनाया था उसने 5 सर्कल का मैजिक से पूरा सर्कल तोड़ देता है। और यार जैसे ही वो तोड़ता है अब भाई वो पूरी तरह हील भी हो चुका है, तो उठते ही तुरंत इसके घूसा लगाता है जो बंदा जिसने 5 सर्कल वाला बॉम बनाया था साला, अब उसको वहीं के वहीं पछाड़ देता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई ग्लेन पूरी तरीके से ठीक है और यार वो सो रहा है क्योंकि भाई उसने फाइट बहुत तगड़ी ली है और थक चुका है भाई वो हील हो के। तो यहाँ पे यार इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। और अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो यार लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना।